हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट अकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन एन जई गेट अकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन ने फाइनली एक कोर्स कोर्स लॉन्च कर दिए हैं जिस का नाम है जेई एंड ऑल स्टेट हैई फॉर सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये जो कोर्स है ये आपको अवेलेबल है एज अ पेन ड्राइव कोर्स एज अ जी ड्राइव कोर्स एंड एज अ वीओडी कोर्स ठीक इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं डील किया हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट रिकॉर्डेड कोर्स है ये ठीक है तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बहुत ही फंडामेंटल एंड बेसिक सब्जेक्ट होता है फॉर बोथ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ठीक है ये जो कोर्स है जो जिसका नाम है है जेई एंड ऑल स्टेट ठीक तो देखिए इंडिया में बहुत सारे ए एंड जे एग्जाम होते हैं चाहे मैं एस एस सी जे एग्जाम की बात करूं चाहे मैं आर आरबी जेई एग्जाम की बात करूं चाहे मैं डिफरेंट स्टेट के स्टेट पी एस सी ए एन जे एग्जाम की बात करूं ठीक है तो सभी एन जे एग्जाम के सिलेबस को फोकस में रखते हुए ठीक एक सिंगल कोर्स डिजाइन किया गया है जिस कोर्स का नाम है एस एस सी ऑल स्टेट ए जई ठीक अच्छा तो ये कैसे कवर करने वाले हैं ऑल ए एन जेई एग्जाम के सिलेबस को जो भी सब्जेक्ट डील करेंगे हम लोग इस कोर्स में कैसे कवर करने वाले हैं राइट right. क्या क्या टॉपिक्स को हम लोग आ, है ना कवर किए हैं ठीक जिससे कि पूरे ए जे एग्जाम के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक कंप्लीट हो सके तो चलिए डिस्कस करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात करता हूं मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चैप्टर्स है भाई कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है जिसको मैंने यहां पे बात किया हुआ है इस पर्टिकुलर कोर्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक के रिगार्डिंग ठीक तो चैप्टर नंबर वन दैट इज बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स Right. Chapter number two: Coplanar concurrent and coplanar non-concurrent force system. Chapter number three: Free body diagram and equilibrium. Chapter number four: Traces. Chapter number five: C.O.G, C.O.M, centroid and movement of inertia. Okay. Chapter number six: Friction. Chapter number seven: Rectilinear motion. Chapter number eight: Impact and collision. Chapter number nine: Circular and curvilinear motion. Chapter number ten: Rotational and general plane motion. Chapter number eleven: Simple harmonic motion. एंड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड चैप्टर नंबर ट्वेल्व कन्वेंशनल एनालिसिस तो देखिए एस एस एग्जाम में राइट right, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है और कन्वेंशनल पेपर भी होता है तो तो इस परपज से मैंने चैप्टर नंबर ट्वेल्व में कन्वेंशनल क्वेश्चंस एनालिसिस आपका एक चैप्टर रखा हुआ है जिसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैंने डिस्कस किया हुआ एस एस सी जय कन्वेंशनल क्वेश्चन का राइट अच्छा तो देखिए ये ये वो सिलेबस है जिसको मैंने फॉलो किया हुआ है वीडियो लेक्चर के दौरान और ये ऐसा सिलेबस जो कि ऑल एन जेई एग्जाम को कवर करने वाले हैं चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ए ही जे एक्सपेरेंट हो चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग ए जे एस्पेरेंट हो ठीक है जी अच्छा वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं कि कैसे 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 आ, ये जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट किया गया है उसके अंदर और क्या क्या टॉपिक्स है जिसको बात किया गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेशन इधर आपको लेक्चर का क्या दिखेगा सीक्वेंस दिखेगा सीरियल नंबर दिखेगा ये आपके पास लेक्चर नेम है जिसमें क्या क्या टॉपिक है वो सब दिखेगा और हर एक लेक्चर्स का ड्यूरेशन कितना है ठीक है कितने टाइम में आ, जो लेक्चर्स है उसका ड्यूरेशन है वो सब आप देख सकते हैं इधर ठीक है जैसे कि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लेक्चर जीरो जीरो ठीक मतलब ये क्या हुआ कि मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सिलेबस ये सब मैं बात किया हूं ठीक और साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ये सब अपन देखे हैं क्लियर जैसे कि यहाँ पे चैप्टर नंबर वन में बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोला मतलब यहाँ पे बेसिक बेसिक बातों के ऊपर अपन डिस्कस किए हैं ठीक है जैसे इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ठीक कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी पार्ट वन कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी पार्ट टू इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिस्बिलिटी ऑफ फोर्स ये सभी आपका लेक्चर लेक्चर है ठीक है कितने टाइम में ये लेक्चर हुआ है तो ये सब इधर ड्यूरेशन भी देख सकते हैं तो कुल मिला के बात ये हुई कि चैप्टर नंबर वन में टोटल मैंने नंबर ऑफ लेक्चर जो है दिया हुआ है ठीक जिसमें लास्ट में आप देखेंगे ठीक तो क्लासरूम क्वेश्चन दिख रहा होगा लेक्चर नंबर एट में चैप्टर वन का लेक्चर नंबर एट में क्लासरूम क्वेश्चन दिख रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ सर तो देखिए आपको वर्कबुक प्रोवाइड किया जाएगा वर्कबुक में दो सेक्शन होगा एक क्लासरूम सेक्शन होगा दूसरा

डिफरेंट ए एन जे एग्जाम के ठीक है जैसे मैं यूपीपीएससी ए एग्जाम की बात करूं चाहे मैं सीजीपीएससी एग्जाम की बात करूं सीएससीबी जेई एग्जाम की बात करूं ठीक है यूपीपीएससी लेक्चरर पोस्ट के लिए जो एग्जाम होते हैं उसके मैं बात करूं क्वेश्चन प्रीवियसर क्वेश्चन मध्यप्रदेश ए एन जे एग्जाम की बात करूं ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अलावा केरला पीएससी एन जे एग्जाम की बात करूं तमिलनाडु पीएससी एंड जे एग्जाम की बात करूं ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस ठीक है अब कितना इतना सारे स्टेट है जहाँ पे ए एन जे एग्जाम होते हैं तो हर एक स्टेट का नाम ले लूंगा इसलिए मैं बोल देता हूँ ऑल ए एन जे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं है ना वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्लासरूम सेक्शन में देखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने लेक्चर के दौरान किया हुआ है वीडियो लेक्चर के दौरान किया हुआ है उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रह जाते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेंगे ठीक है जैसे जैसे चैप्टर एंड होते जाएंगे तो देखिएगा गजब का आपका फीलिंग होगा इस फंडामेंटल सब्जेक्ट को लेकर इंजीनियरिंग मैके सब्जेक्ट को लेकर चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपेरेंट हो चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग एक्सपेरेंट हो ठीक है जी अच्छा ठीक उसी तरह चैप्टर टू में आप देखेंगे तो मैंने टोटल थर्टीन नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया है Two, that is co and non ठीक है? कितने कितने ड्यूरेशन में है तो ये ड्यूरेशन भी जरा आप देख सकते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में आपको हर एक वीडियो लेक्चर्स को वॉच करना है बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठना है और हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाना है प्रॉपर नोट आपका प्रिपेयर होना चाहिए ठीक है यस yes. चैप्टर नंबर थ्री तो फ्री बॉडी डायग्राम एन इक्लिब्रियम जिसको हम लोग एफबीडी भी बोलते हैं डायग्राम को में राइट right? इसमें देखेंगे तो मैं टोटल कितने नंबर ऑफ लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ तो इलेवन नंबर ऑफ लेक्चर आपको प्रोवाइड किया टॉपिक्स की अपन डिस्कस किए हैं तो देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं यहाँ पे स्टैटिक इक्म इक्वेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक आपके एग्जाम पूछे जाते थ्री फोर्स ये सब अपन बात किए ठीक है, है अच्छा तो Uh, आप देख सकते हैं इसमें वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेशन है कंप्लीट इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर फोर दैट इज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक है फोर्टीन नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किया इसको ठीक चैप्टर नंबर फाइव सीओ जी सीओ एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है इसमें मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करूं तो 19. राइट right, 19 है क्या यस yes, 19 नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है जिसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही डिटेल इन मैनर में अपन डिस्कस किए सो दैट so आपका ऑल ए एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाए करके ठीक है हर एक चैप्टर्स में अपन वैसे ही बात किए जैसे की है, है ना सभी चैप्टर्स में बात करना चाहिए वैसा अपन हर एक चैप्टर्स को बराबर वेटेज दिए हुए हैं ऐसा नहीं की ये चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है जिसको कम बात करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ठीक है जितना भी चैप्टर्स है हमने गजब के आ, आपको पढ़ाए हुए हैं तो ये तो जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा राइट तो आपको आइडिया रहे कि आपको प्रोवाइड क्या क्या होने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में ठीक है जो कंटेंट है वो किस वे में प्रोवाइड होने वाले ये सारी बातें आपको आइडिया रहे इस पर्पज से वीडियो मैं बना रहा हूं क्लियर अच्छा ठीक उसी तरह चैप्टर नंबर सिक्स की बात करें तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें मैं टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करूं तो एट एट नंबर ऑफ लेक्चर्स है राइट right? अच्छा फिर चैप्टर नंबर सेवन रेक्टलिनियर मोशन रेक्टोलियर मोशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए ठीक जो कि इलेवन नंबर ऑफ चैप्टर्स में मैंने इसको प्रोवाइड किया हुआ है ठीक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किए हुए हैं ईच एंड एवरी वराइटी के प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस किए हुआ है ठीक uh, है थोटिकल क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ठीक क्लियर अच्छा डायरेक्ट आपके एंड जे एग्जाम इस चैप्टर को लेक्चर में फिनिश किया हुआ है ईच एंड एवरी कंसेप्ट के ऊपर बात किया हुआ है क्वेश्चंस की बात किया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं वो भी मैंने बात किया हुआ है राइट अच्छा चैप्टर नंबर नाइन सर्कुलर एंड करविलियर मोशन ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में देखने को मिलेगा हर एक जो चैप्टर्स है और उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे ये जो बात किया हूं इंफॉर्मेशन यही सीक्वेंस में आपको पढ़ना है राइट तभी आपका फीलिंग गजब का होगा कनेक्टेड होता है ना एक के बाद एक जब मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं तो भाई दूसरे टॉपिक में जाने से पहले आपको पहले टॉपिक का आइडिया होना जरूरी है ना यस yes. इसलिए बिल्कुल जिस सीक्वेंस में मैंने बात किया हूं, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना होगा तभी आपका फीलिंग गजब का होगा कॉन्फिडेंट है ना कॉन्फिडेंटली आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे जब आप सीक्वेंस में वैसा पढ़ेंगे तो जिस तरह सीक्वेंस में बात कर रहा हूं राइट ओके चैप्टर नंबर टेन रोटेशनल एंड जनरल प्लेन मोशन जिसको मैंने टोटल सेवन नंबर ऑफ लेक्चर्स में फिनिश किया हुआ है यस yes. ठीक है चैप्टर नंबर इलेवन एस एच एम जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं और साथ ही साथ एंड प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हमारा चैप्टर नंबर इलेवन है तो यहाँ पे मैंने दो लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है ठीक है बहुत छोटा सा चैप्टर है करके ठीक तो इस तरह से इलेवन नंबर ऑफ चैप्टर में हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट फिनिश होगा फॉर बोथ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ठीक जो की एन जे स्पेरेंट है ऑल स्टेट ए एन जे स्पेरेंट है इसके अलावा एस एस सी जे एग्जाम के एक्सपेरेंट होंगे आर आरबी जे एग्जाम के एक्सपेरेंट होंगे जितने भी ए एन जे एग्जाम के एस्पेरेंट है चाहे सिविल चाहे मैकेनिकल तो ये तो इंजीनियरिंग मेकेनिक सब्जेक्ट दोनों के लिए क्या है कॉमन सब्जेक्ट है यस yes. ठीक है तो इलेवन नंबर ऑफ चैप्टर में फिनिश हो जाता है आपका इंजीनियरिंग मैकनिक सब्जेक्ट लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके रखा हूँ चैप्टर नंबर ट्वेल्व के लिए जो कि कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें एस एससी जेई एग्जाम के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को राइट कन्वेंशनल क्वेश्चन पार्ट वन कन्वेंशनल क्वेश्चन पार्ट टू कन्वेंशनल क्वेश्चन पार्ट थ्री कन्वेंशनल क्वेश्चन पार्ट फोर ठीक ये मैंने डिस्कस किया हुआ है ओके okay? कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन ठीक है दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस okay? तो क्वेश्चन साथ भी डाल के रखा हुआ है राइट right? उसको आप सोल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा गजब का आपका फीलिंग होगा ठीक है तो होप फुली आपको समझ में आया होगा आपको आइडिया हुआ होगा कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड होने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स एस सी जे एन ऑल स्टेट एग्जाम में वो आपको गजब का हो गया होगा ठीक है तो ये जो कोर्स है ऑलरेडी लॉन्च हो, हो चुका है ठीक है कंप्लीट पैकेज में आपको देखने को मिलेगा ठीक है हर एक सब्जेक्ट को मिला के कम्प्लीट पैकेज है ठीक है कोर्स है एस एस सी जे एंड ऑल स्टेट ए एन जेई ठीक है तो ये जो कोर्स है ये चौबीस फरवरी से लॉन्च हो चुका है ठीक है और अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है चार मार्च तक ठीक है फोर्थ मार्च तक यदि आप अवेल करते हैं इस कोर्स को तो फ्लैट फाइव थाउजेंड का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा ठीक तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो बिना देरी किए आपको जल्द से जल्द अवेल कर लेना चाहिए इस, इस, इस कोर्स को तो टिल देन थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय